दोस्तों, गुर्दे की पथरी या किडनी की पथरी एक दर्दनाक समस्या है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। मेडिकल भाषा में इसे नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिटियासिस या यूरोलिथियासिस, यूरोलिटियासिस भी कहा जाता है। दरअसल किडनी की पथरी खनिज और लवणों से बने कठोर पदार्थ होते हैं। खराब खानपान, शरीर का अधिक वजन, कुछ बीमारियां और सप्लीमेंट व दवाएं गुर्दे की पथरी का कारण बनते हैं। गुर्दे की पथरी आपके मूत्रपथ के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है। अक्सर पथरी तब बनती है जब मूत्र गाढ़ा हो जाता है, जिससे मिनरल्स क्रिस्टल हो जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। गुर्दे की पथरी एक दर्दनाक समस्या है। अगर समय पर इसकी पहचान हो जाए तो पथरी आमतौर पर कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाती है। किडनी पथरी के मरीजों को पथरी को दूर करने के लिए दर्द की दवा लेने और ढेर सारा पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर पथरी मूत्र पथ में जमा हो जाती है तो उससे मूत्र संक्रमण से जुड़ी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जिसमें सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। किडनी की पथरी के लक्षणों में पसलियों के नीचे, बाजू और पीठ में तेज दर्द होना, दर्द जो निचले पेट और कमर तक फैलता है, दर्द जो लहरों में आता है और तीव्रता में उतार चढ़ाव करता है, पेशाब करते समय दर्द या जलन महसूस होना, गुलाबी, लाल या धुंधला भूरे रंग का पेशाब आना, पेशाब से बदबू आना, पेशाब करने की लगातार आवश्यकता होना, सामान्य से अधिक बार पेशाब करना या कम मात्रा में पेशाब आना, मतली और उल्टी, संक्रमण होने पर बुखार और ठंड लगना आदि शामिल हैं। दवाओं के अलावा किडनी की पथरी के लिए कई घरेलू उपाय भी हैं, जिनके जरिए किडनी को बाहर निकाला जा सकता है। अध्ययन के अनुसार किडनी की पथरी के लिए आपको नींबू पानी पीना चाहिए। नींबू में साइट्रेट होता है, जो एक ऐसा रसायन है जो कैल्शियम स्टोन को बनने से रोकता है। साइट्रेट छोटे पत्थरों को भी तोड़ सकता है, जिससे वे अधिक आसानी से गुजर सकते हैं। नींबू के रस के और भी कई स्वास्थ्य लाभ हैं। उदाहरण के लिए, यह बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद करता है और विटामिन सी प्रदान करता है। तुलसी में एसिटिक एसिड होता है, जो गुर्दे की पथरी को तोड़ने और दर्द को कम करने में मदद करता है। यह पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। इस उपाय का उपयोग पारंपरिक रूप से पाचन और सूजन संबंधी विकारों के लिए किया जाता रहा है। तुलसी के रस में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होते हैं और यह किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। सेब के सिरके में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड गुर्दे की पथरी को घोलने में मदद करता है। सेब साइडर सिरका पथरी के कारण होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि सेब साइडर सिरका गुर्दे की पथरी के गठन को कम करने में प्रभावी था, हालांकि अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। इसके लिए 6 से 8 औंस शुद्ध पानी में 2 बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं। इस मिश्रण को पूरे दिन पिएं। अजवाइन का रस विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए माना जाता है, जो गुर्दे की पथरी के निर्माण में योगदान करते हैं। इसका इस्तेमाल लंबे समय से पारंपरिक दवाओं में किया जाता रहा है। यह शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में भी मदद करता है। अजवाइन के एक या एक से अधिक डंठल को पानी के साथ ब्लेंड करें और पूरे दिन इसका जूस पिएं। अनार के रस का उपयोग सदियों से किडनी के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है। यह आपके सिस्टम से पथरी और अन्य विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, जो किडनी को स्वस्थ रखने और पथरी को विकसित होने से रोक सकता है। यह आपके यूरिन के एसिडिटी लेवल को भी कम करता है। पके हुए राजमा का शोरबा एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसका उपयोग अक्सर भारत में किया जाता है। इसका उपयोग मूत्र और गुर्दे के रोगों के सुधार के लिए किया जाता है। अध्ययन के अनुसार यह पथरी को घुलने और बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है। बस पकी हुई फलियों से तरल छान लें और दिन भर में कुछ गिलास पिएं। डैंडेलियन या सिंहपन्नी पौधे की जड़ एक बेहतर किडनी टॉनिक है, जो पित्त के उत्पादन को उत्तेजित करता है।
ऐसा माना जाता है कि यह अपशिष्ट को खत्म करने, मूत्र उत्पादन बढ़ाने और पाचन में सुधार करने में मदद करता है। यह विटामिन ए, बी, सी, डी और पोटेशियम, आयरन और जिंक जैसे खनिज का भी बेहतर स्रोत है। एक अध्ययन से पता चला है कि सिंहपर्णी गुर्दे की पथरी को बनने से रोकने में कारगर है। व्हीट ग्रास कई पोषक तत्वों से भरा होता है और लंबे समय से स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक अध्ययन के अनुसार व्हीट ग्रास पथरी को दूर करने में मदद करने के लिए मूत्र प्रवाह को बढ़ाता है। इसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी होते हैं जो किडनी को साफ करने में मदद करते हैं। आप प्रतिदिन 2 से 8 औंस व्हीट ग्रास जूस पी सकते हैं।